तो पिछली वीडियो में देखा था, हमने एक स्पेशल रूल समझा था जिससे कि हम बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में या कब साइन कॉस टैन पॉजिटिव होते हैं, कब नेगेटिव होते हैं, उनकी वैल्यूज से कैसे डील करते हैं। उसी के ऊपर बेस्ड है बिल्कुल ये तीन बातें, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो ये आपके लिए एक तरीके से क्वेश्चन हो गए जो आपको प्रैक्टिस करना है पिछली वीडियो पर। तो हम ये तीनों निकाल के देखते हैं उसी मेथड से। मेथड नहीं आता तो पिछली वीडियो देखो, क्योंकि मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, मैं सब डायरेक्टली क्वेश्चन कराऊंगी। और इसके बेस पे हम करेंगे टाइप टू टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन। फर्स्ट वीडियो में हमने किया था, पिछली वीडियो में किया था टाइप वन टाइप के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन के एक टाइप, जैसे कि आप देख के पहचान सकते हो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक का कोई क्वेश्चन है और उस टाइप का है तो कैसे सॉल्व करना है। अब हम करेंगे टाइप टू, इसके ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो पहले ये फॉर्मूला कैसे आए वो देखते हैं, फिर आ जाएंगे टाइप टू क्वेश्चंस पर। चलो, हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और हमें पता है इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन, इसमें टैन और इसमें कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब इसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन की तरह, लेफ्ट साइड लेते हैं, राइट साइड आ जाएगी अपने आप। आप अगर सिर्फ पहले तीन सॉल्व कर लो ना, पहले तीन, तो बाकी तीन आपको अपने आप याद रहेंगे। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन। ये आपस में ना रिलेटेड होते हैं, और इनको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से जो बेस होती हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, यानी कि ऐसे एंगल जिनका सम 90 हो। ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री कब होंगे, जब ए एंगल और बी एंगल प्लस करके 90 डिग्री आ जाए तब उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे बेस्ड होती हैं, ठीक है। हम पहले तीन सॉल्व करके देखेंगे, उससे बाकी तीन अपने आप आ जाएंगे, आपको बस इन्हें याद रखना है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपने याद किया भी होगा, हमने कन्वर्जन याद किया था कि अगर हम वर्टिकल एक्सिस पे हो तो कन्वर्जन कैसे याद किया था, साइन चेंज हो जाता है कॉस में और कॉस होता है साइन में, बस वही कन्वर्जन यूज होगा यहाँ पे। टैन हो जाता है कॉट में और कॉट हो जाता है टैन में, और सेक हो जाता है कोसेक में और कोसेक जगह होता है सेक में, बस वही कन्वर्जन है यहाँ पे। उसको हम फॉर्मूला के फॉर्म में देख रहे हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि हम इसी को अगली वीडियो में समझेंगे कि ये हम क्यों बोल रहे हैं। अब हम समझ रहे हैं, इस फॉर्मूला के चक्कर में बोल रहे हैं, अब ये सॉल्व करके देखते हैं। पहले देखते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या आना चाहिए, कॉस थीटा आएगा हमें पता है, पर वेरीफाई करते हैं बाद में याद करेंगे। साइन 90 माइनस थीटा, 90 मतलब पाई बाय 2, पाई बाय 2 की वैल्यू कितनी होती है, पाई बाय 2 रेडियंस मतलब 90 डिग्री, अगर ये रेडियंस में तो इसको हम 90 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा यानी कि 0 से चले 90 पर गए और फिर थोड़ा सा कम कर दो, यहाँ पे कहीं हमारा एंगल लाई करेगा। अब हमें पता है कि पहले क्वाड्रेंट में सब कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब देखना क्या है हमें कि आंसर आएगा क्या। अगर हम साइन 90 की बात करें, 90 मतलब कौन सा एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस, और पिछली वीडियो में देखा था कि अगर टाइटैनिक है उसमें चेंज कब आता है, जब वर्टिकल एक्सिस हो जाता है। जब तक टाइटैनिक हॉरिजॉन्टली चल रही है उसमें कोई कोलिजन नहीं होगा, कुछ चेंज प्रॉब्लम नहीं आएगी, जब वर्टिकल हो गई कोलाइड करने के बाद तब उसमें चेंज आना शुरू होगा। तो वर्टिकल एक्सिस पे आके चेंज होता है, चेंज किस में होता है, साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में हो जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, और आप देख सकते हो कि हमारा आंसर क्या आ गया, साइन 90 माइनस थीटा पॉजिटिव कॉस थीटा आ गया। अब ऐसे टैन 90 माइनस थीटा करके देखते हैं, टैन 90 डिग्री माइनस थीटा, फिर से वही फर्स्ट क्वार्टर में सब पॉजिटिव तो पॉजिटिव आंसर। अब कौन सी एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस, वर्टिकल में क्या होता है, चेंज होता है। टैन किस में चेंज होता है, आपने लिखा होगा, जो आपको याद होगा अभी जो हमने लिखा था यहाँ पर, टैन चेंज होता है कॉट में, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा, तो वही हमारा आंसर आ गया। ऐसी सेक 90 माइनस थीटा को सेक थीटा आ जाएगा। तो आपको ये तीनों याद हो गए होंगे ऑलमोस्ट, मैंने इतनी बार बोल दिए तो आपको याद हो जाने चाहिए, वरना आप इसे वीडियो स्टॉप करें, पहले इनको याद करो, 6 के 6 रेशोस, 3 याद करोगे बाकी 3 तो अपने आप ही एक दूसरे की उल्टी हैं तो याद हो जाएंगी। उसके बाद आगे के टाइप टू टाइप के क्वेश्चन देखना। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन है कि मैंने साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 80 डिग्री, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, यानी कि हमें क्या गिवन है। पहले क्वेश्चंस पहचानने की कोशिश करते हैं, टाइप टू टाइप के क्वेश्चंस कैसे होंगे, जिसमें हमें जो गिवन होगा कुछ भी एक्सप्रेशन गिवन हो सकता है, बस उसमें क्या होगा, जो एंगल्स होंगे ना वो हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब उनका सम आ रहा होगा 90 डिग्री, 80 प्लस 10 करोगे क्या आ रहा होगा, 90 डिग्री आ रहा है ना, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। दूसरी बात, एक बात एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री, दूसरी बात जो हमें रेशियो गिवन होंगी साइन 10, क्या आपको साइन 10 डिग्री की वैल्यू आती है, नहीं आती, मैं तो सिखाई नहीं, और वैसे भी नहीं आती होगी अगर आपने 10th तक वाले से वो टेबल याद रखा होगा, उसमें भी हमने 10 डिग्री की वैल्यू नहीं याद करी, तो साइन 10 की वैल्यू तो हमें नहीं आती। तो इसलिए जब ऐसे एंगल जो जहाँ पे क्या हो कॉम्प्लीमेंट्री हो और जिसकी वैल्यू हमें ना आती हो, तो हम ये वाला तरीका इस्तेमाल करेंगे।
ये चार ऑप्शंस गिवन है 0 1 none of the a and b and all of the above यानी कि दोनों 0 and 1. अब देखते हैं कि इसका आंसर आएगा क्या. इसको कैसे सॉल्व करना है, जो अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूले लिखे हैं उसको यूज करके. साइन 10 डिग्री और कॉस 10 की वैल्यू 80 की वैल्यू तो हमें नहीं आती, तो हम क्या कर सकते हैं, साइन को कॉस में चेंज कर सकते हैं. साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 10 को हमें कॉस में चेंज करना है. कैसे करेंगे, अभी हमने कॉम्प्लीमेंट्री वाला फॉर्मूला देखा था. साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा. हमें इस टाइप के क्वेश्चन में, जो टाइप टू टाइप के क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री वाले 6 फॉर्मूले में से किसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है. ये है हमारी ट्रिक, ठीक है. अब इसको चेंज करते हैं. साइन 10 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस 10 यानि कि कॉस 80 डिग्री, यानि कि साइन 10 की वैल्यू उतनी है जितनी कॉस 80 की है. अब इसको सॉल्व करते हैं. साइन 10 डिग्री अपॉन कॉस 80 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 10 की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस 80 लिख सकते हैं, कॉस 80 डिग्री अपॉन कॉस 80 डिग्री. अरे ये तो दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 1, जो कि हमारे ऑप्शन में भी है. यानी कि हमें ना ही साइन 10 की जरूरत पड़ी ना ही साइन 80 की वैल्यू की जरूरत पड़ी, हमने फॉर्मूला यूज़ किया और हमारा आंसर आ गया. बहुत सिंपल टाइप के क्वेश्चन है. इसके कुछ और क्वेश्चन देखते हैं. तो अभी एक क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिर से ऑब्जर्व करो कि कौन सी टाइप का क्वेश्चन है. हमें गिवन है साइन बाय कॉस, कॉस बाय साइन. चलो ठीक है, हमें पता चल रहा है साइन और कॉस क्या होते हैं, एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री रेशियोज होती हैं, तो हमें याद आ रहा है कि हम कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं. अब देखते हैं कि एंगल्स कैसे हैं. 71 में 19 ऐड करके देखो क्या आएगा, 90 डिग्री. 73 में 17 ऐड करके देखो क्या आएगा, 90 डिग्री. यानी कि बिल्कुल टाइप टू के क्वेश्चन है रीजन, क्योंकि एंगल्स भी कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं. हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री वाले फॉर्मूला लगाना है. न्यूमिनेटर में लगाते हैं दोनों साइड और हमें फिर आंसर मिल जाएगा. साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, अगर इसे हमें कॉस में चेंज करना हो तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि साइन 19 की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस 90 डिग्री माइनस 19 डिग्री, और वो आ जाएगा कॉस 71 डिग्री. ऐसे ही कॉस 73 की वैल्यू निकाल लेते हैं. कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा. कॉस 73 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री, यानी कि साइन 17 डिग्री. अब इसको और इसको क्वेश्चन में पुट कर देते हैं. क्वेश्चन पे आते हैं वापस. साइन 19 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 71. तो कॉस 71 डिग्री अपॉन कॉस 71 डिग्री प्लस कॉस 73 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 17. तो साइन 17 डिग्री अपॉन साइन 17 डिग्री. अब हम इसमें ना तो 17 डिग्री की वैल्यू की जरूरत है ना ही कॉस 71 की जरूरत है. हम इसे सिंपली कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है. यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1. आंसर आ गया 1+1 यानी कि 2, और ये हमारा हो गया डी ऑप्शन. तो इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं जिसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए और कैसा भी एक्सप्रेशन हो सकता है. जरूरी नहीं ऐसा हो, किसी भी टाइप का एक्सप्रेशन हो सकता है, और हमें उसमें बस ये वाला फॉर्मूला लगाना है और सॉल्व करना है. एक और क्वेश्चन करते हैं. अब हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है. एक्सप्रेशन क्या गिवन है, साइन 53 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई कॉस 37 डिग्री, और उसमें ऐड करना है ये पूरा टर्म. और ये टर्म क्या है, टैन 35 मल्टीप्लाइड बाई टैन 40 मल्टीप्लाइड बाई टैन 50 मल्टीप्लाइड बाई टैन 55. अब हम देखेंगे कि इन एंगल्स की वैल्यू हमें ऑब्वियसली नहीं पता. टैन 35 क्या होता है हमें नहीं पता, 53 क्या होता है हमें नहीं पता. तो यानी कि टाइप टू टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें भी वैल्यूज नहीं पता. दूसरी चीज़ देखते हैं कि क्या एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं. अगर हैं तो कन्फर्म हो जाएगा. तो 53 में आप 37 ऐड करके देखो 90 डिग्री आएगा. ये वाला पार्ट तो हो गया. अब इसमें देखते हैं कि एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं. 35 में अगर आप 40 ऐड करोगे तो 90 नहीं आएगा. पर इसका मतलब जरूरी नहीं कि कॉम्प्लीमेंट्री ना हो, और भी तो दो एंगल्स पॉसिबल हैं, उनको ऐड करके देखो. 35 में 50 ऐड करो 90 नहीं आएगा, पर अगर आप 35 में 55 ऐड करोगे तो कैसा आ जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आ जाएंगे, क्योंकि 35 प्लस 55 क्या होता है, 90 डिग्री. एंड सेम इज द केस विद 40 प्लस 50 डिग्री. एंड कि हमें ग्रुप करना होगा, इसको और इसको साथ में लिख देंगे और इसको और इसको साथ में लिख देंगे. मल्टीप्लीकेशन में तो है, आगे पीछे लिख सकते हैं. करते हैं इसको एज इट इज स्टैंड लेते हैं. साइन 53 डिग्री कॉस 37 डिग्री, इनको साथ में लिखते हैं. टैन 35 डिग्री टैन 55 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय टैन 40 इंटू टैन 50 डिग्री. अब बस हमें फॉर्मूला अप्लाई करते जाना है. साइन अब हमें क्या करना है, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो है नहीं,
तो कोई भी एक टर्म को हमें फॉर्मूला लगा के चेंज करते जाना है. हम मान लेते हैं हम सारे पेयर्स में से लेफ्ट टर्म को चेंज करेंगे, किसी को भी कर सकते हैं, लेफ्ट को करें. साइन 53 की वैल्यू निकालनी है कॉस के टर्म्स में, तो साइन थीटा क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा. साइन 53 क्या हो जाएगा, कॉस 90 डिग्री माइनस 53, दैट इज कॉस 37. तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस 37, कॉस 37 डिग्री मल्टीप्लाई बाय कॉस 37 डिग्री. अब ये वाला पार्ट सॉल्व करते हैं. टैन 35 की वैल्यू हमें चेंज करनी है, उसको किस में निकालना है, कॉट की टर्म्स में निकाल सकते हैं. टैन 35 क्या होता है, टैन थीटा क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा. टैन 35 डिग्री क्या हो जाएगा, कॉट 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री, दैट इज कॉट 55 डिग्री. तो यहाँ पे हम 35 की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉट 55. तो ये हो गया कॉट 55 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई टैन 55. सिर्फ एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज मत करना, कोई फायदा नहीं होगा. फिर ऐसे अब tan 40 को करते हैं चेंज. tan 50 को हम एज इट इज रहने देंगे, तो tan 50 एज इट इज रहने दो. tan 40 की जगह हम चेंज करते हैं, tan 40 को भी इस फॉर्मूले से चेंज करेंगे. तो tan 40 की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot 90 माइनस 40, दैट इज cot 50 डिग्री. आ जाएगा cot 50 डिग्री. इस क्वेश्चन में एक चीज और थी जो मैं लिखना भूल गई, अब आप भी ऐड कर लीजिए. यह है साइन 37 डिग्री का होल स्क्वायर. तो ये था क्वेश्चन, ये भी ऐड हो रहा है साथ में. यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अब इसके आगे देखिए. ये मेरे पास आ गया साइन 37 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉस 37 भी दो का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 37 डिग्री का होल स्क्वायर. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1. ये हमारी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. तो ये वाला पार्ट क्या आ गया, 1 आ गया. अब बचा ये वाला पार्ट, कॉट और टैन एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ये आपको पता है. इसका मतलब कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन टैन थीटा, यानी कॉट 55 को मैं लिख सकती हूँ 1 अपॉन टैन 55, और 1 अपॉन टैन 55 को अगर मैं टैन 55 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आपस में कैसे हो जाएंगे, कैंसिल. लिख के देखते हैं, ये हो जाएगा 1 अपॉन टैन 55 इंटू टैन 55, क्योंकि कॉट को 1 अपॉन टैन लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा कैंसिल, आंसर आ जाएगा मेरे पास 1. ऐसे ही इसके केस में भी टैन 50 और कॉट 50 आपस में कैंसिल आ जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1, एंड वी गेट 1 प्लस 1 इंटू 1 यानी कि 1, आंसर इज 2. और ये ऑप्शंस में था भी, तो आप 2 आंसर को टिक कर दोगे और क्वेश्चन खत्म. तो टाइप 2 के क्वेश्चंस बहुत ईजी हैं इन कंपैरिजन विद 1 और टाइप 3 के क्वेश्चंस. अगली वीडियो में हम करेंगे टाइप 3 के क्वेश्चंस. अभी के लिए बस इतना.